हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि सर, अगर मुझे सीए फाउंडेशन नवंबर 23 के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या मेरे लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों किसी भी मोड में मतलब क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे। देखो, मेरे हिसाब से अगर आप क्लास 11th और क्लास 12th अच्छे से कर चुके हैं और अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दो सब्जेक्ट्स जो कॉमन रहे हैं आपके पीछे, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जो आपके लिए नए रहेंगे, वो आपको जरूर पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको भी सेल्फ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। कोचिंग्स की रिक्वायरमेंट कब होती है, कोचिंग्स बेसिकली होता क्या है। कोचिंग्स का मतलब सिंपल ये है कि एक टीचर जो आपको गाइडेंस करते हैं कि भाई आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, ये चीज़ें ये होती हैं। अगर आपको 90%, मैं जैसे एक अकाउंट्स की एग्जाम्पल लेता हूँ, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, तो स्पेशली अकाउंट्स इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा रहेगा ना। तो अब एक अकाउंट्स का जो सिलेबस है सीए फाउंडेशन के अंदर, वो क्लास 11th और 12th का लगभग 90% सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अकाउंट्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर क्लास 11th और 12th का आपने अच्छे से कर रखा है तो। दो या तीन चैप्टर जिसके यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब अकाउंट्स की मैं कहूँ तो कोचिंग, क्योंकि मैं अकाउंट का टीचर हूँ तो आई कैन डेफिनेटली टेल यू अबाउट अकाउंट की, अकाउंट की तो कोचिंग आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ओवरऑल आप कोचिंग नहीं भी लेना चाहें तो भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स विच आर न्यू फॉर यू, ठीक है। तो वो आप जरूर, मैं कहूँगा कि अगर आपको कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट कराया जाए, ठीक है ना। एज ए टीचर मैं आपको अकाउंट पढ़ा सकता हूँ, है ना, ठीक है ना। तो अगर ऐसे ही आपको कहीं से क्लासेस मिल जाए तो दैट विल बी गुड फॉर यू, है ना। तो अदरवाइज अकाउंट्स की कोचिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, सर अगर मुझे चाहिए कोचिंग, तो फिर आप जरूर इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपने क्लास 11th या 12th में अकाउंट्स अच्छे से नहीं किया है, आपको लगता है कि यार नहीं बहुत टाइम हो गया है, तो फिर डेफिनेटली आपको कोचिंग लेनी चाहिए। अब बात आती है कि सर ऑनलाइन अच्छा मोड है या ऑफलाइन, देखिए वो तो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लास लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। उसमें कहीं ना कहीं आप टीचर से एक फेस टू फेस आप जब बात करते हैं, आप अपने डाउट्स पूछते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन मोड में अच्छा नहीं होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जब फेस टू फेस पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे असर रखता है। बाकी आपका डिसीजन है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सजेशन है, अगर 11th 12th आप अच्छा कर रखा है आपने और अकाउंट्स इकोनॉमिक्स वगैरह आपकी अच्छी रही हैं, तो डेफिनेटली दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट, ठीक है ना, आपको मतलब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग्स लें, है ना। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई की हुई है, आपका बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स से है, तो डेफिनेटली आपको कोचिंग के लिए जाना चाहिए, और वो भी ऑफलाइन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन करना चाहें, आपको लगता है कि यार मेरे लिए काफ़ी दूर है, वहाँ पर जाना दूर है, आप तो आप आजकल तो हर चीज़ फैसिलिटीज अवेलेबल है ना, ठीक है, पेन ड्राइव क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो यू आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और क्लासेस अकाउंट की आपको मैं बता दूं कि अकाउंट की क्लास 11th और 12th का 90% अकाउंट आपका रहेगा, ठीक है ना। 10% अकाउंट आपके लिए कुछ नया देखने को मिलेगा, अदरवाइज वही चैप्टर आपको पढ़ने, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स वगैरह, ठीक है, याद है आपको सबको, पार्टनरशिप वगैरह याद होगा आपको, एनपीएफ वगैरह करके एक चैप्टर पढ़ते थे, डेप्रिसिएशन क्लास 11th में पढ़ते थे, ट्रायल बैलेंस लेजर, जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे बनाते हैं, कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, ठीक है। देर आर सम चैप्टर्स विच आर न्यू इन अकाउंट्स, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वो आपको देखने पड़ेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। बाकी के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। वीडियो को जरूर लाइक।